बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिलेगा। इसी कामना के साथ हर पिता अपनी बेटी को विदा करता है, लेकिन दहेज के लोभियों ने अपने लालच की वेदी पर उस पिता की लाडली को चिता पर चढ़ा दिया, और वो भी जिंदा। जनपद ये मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना फकरपुर इलाके में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें दहेज की मांग ना पूरी कर पाने पर एक विवाहिता को ससुराल वालों ने पहले तो मारा पीटा, उस पर भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उस मासूम पर पेट्रोल डालकर जिंदा आग के हवाले कर दिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि विवाहिता जलती रही और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशाबीन बने रहे, किसी ने भी आग बुझाने का प्रयास नहीं किया। ये आरोप हमारे नहीं हैं, ये आरोप उस बूढ़ी माँ और बेबस पिता जिनकी आंखों के सामने ही उनकी लाडली बेटी को आग के हवाले कर दिया गया था। हमका तो कन्या लेकर अलग छोड़ दी, 3-4 दिन घर वाले। कितने दिन पहले होती शादी? शादी 6 वर्ष होएगा, 16 लाख है। ओके, हमेशा मारते पीटते थे? हाँ, हमेशा। बोलो, गाड़ी मांगते थे? 4 बार गाड़ी मांगते थे, चार पहिया, अच्छा साइकिल दिया है। दहेज के लिए आपकी बेटी हत्या हुई है? हाँ, साइकिल हम दिया। आग लगा मार्केट पर, आग लगा दी, इतनी जिंदा रहा, आग लगा दी, हम गए। इसने आग लगा दी? दमाद रहा, ससुर रहा, सास रहा, जेठ रहा, सब लोग गाँव के रूप के रहा, सब लोग हम नहीं, बाप का मारे लागे, मेरे ममारी ने निशान और हमका पकड़ थाम नहीं तो सहनाई नहीं और बिटिया उठा ले गया, पेट्रोल डाल के छोड़ दिया। और पुलिस वाले लोग गए, इतना दिन गाई गए, तो 4 लोग खड़े रहे, लेकिन कोई नई भवासन सुन रही। लेकिन आप लोग जब हम फिर गए थाने का, तो कहें कि देहात तुमके देहात हमरे, तो तुम आप निकाल देते, हम का बाल्टी लेके। पुलिस वाले चाहते कि मेरी बहन बच जाती। क्या बोले, बाल्टी? कहीं का हम बाल्टी लेकर आए हैं। पुलिस वाले ने बोला? हाँ, आप जो हाथ आप के रहा तो निकाल लेती हूँ। आपको बता दें कि फकरपुर पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो इंसानियत को कई फीट गहरे गड्ढे में दफन करता दिखाई दे रहा है। परसंडी निवासी मेवालाल मोर्य ने अपनी बेटी की 6 साल पहले रामवापुर टेंडवा गांव निवासी सतीशपुर श्रीचंद के साथ शादी की थी। हैसियत के हिसाब से दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन उसके ससुराल वाले उससे 4 पहिए यानी कि 4-व्हीलर गाड़ी की मांग कर रहे थे। ये गरीब नहीं ले पाया तो इसी के लालच में दहेज के लोभियों ने उसकी बेटी को आग के हवाले कर दिया। मेरी लड़की को लोगों ने, मतलब लड़की के ससुर और मतलब विवाहित दामाद, उसने मार करके और जला दिया। वो जिंदा थी, उसको जला दिया। किस लिए जला दिया? वो दहेज के लिए। पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने क्या किया? पुलिस वहाँ पर जब जल रही थी, चार पुलिस मौजूद थे, उन्होंने कहा जब जल रही है तो क्या करें हम लोग, क्या बाल्टी में क्या लेकर के आए हैं जो बुझाव है, वो लोग मतलब कोई ध्यान नहीं। मृतक के परिजनों के मुताबिक ससुराल वाले दहेज में 4 पहिया की गाड़ी मांग रहे थे। जब गरीब पिता ससुरालियों की मांग नहीं पूरी कर पाया तो बेटी को यातनाएं देनी शुरू कर दी। अचानक परिजनों को सूचना मिली कि बेटी के ससुराल वाले उसे बुरी तरह पीट रहे। आनंद फानंद में परिजन ससुराल पहुंचे तो उनको भी मारा पीटा और कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद बेटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पिता का आरोप है कि मौके पर फकरपुर थाने के 4 सिपाही भी पहुंचे, लेकिन किसी ने भी आग को बुझाने का प्रयास नहीं किया। परिजनों ने बेटी को बचा लेने की फरियाद भी की, लेकिन पुलिस वाले तमाशबीन खड़े सब कुछ देखते रहे। फकरपुर थाना क्षेत्र में रंगवापुर गांव की एक महिला प्रीति है, ये इनके पति का नाम सतीश मौर्य है। सूचना प्राप्त हुई थी कि इनको इनकी मृत्यु हो गई है और इन्हें जला दिया गया है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष फकरपुर मौके पर जा गए और वहां से इन्होंने डेड बॉडी बरामद कर ली है। इस मामले में मृतका के पिता की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है दहेज हत्या की, जिस मामले में FIR दर्ज करके विवेचना प्रचलित है। क्षेत्राधिकारी
कैसरगंज द्वारा भी योजना की जाएगी और जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उस पर उनका रहेगा। वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बेटी जलती रही है, पुलिस वाले खड़े देखते रहे, तमाशा, उन्होंने कोई मदद नहीं की। नहीं, यह कहना गलत है, ऐसे कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। विवेचना में यदि ऐसा कोई तथ्य आया जाएगा तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना और ऐसा कोई तथ्य प्राप्त। आग से झुलसी विवाहिता की मौत के बाद फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पर लगे आरोपों के जवाब में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसा कुछ संज्ञान में आया नहीं है, फिर भी अगर विवेचना में ऐसा कोई तथ्य सामने आता है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश ब्यूरो न्यूज़।